ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे हेमा के व्रत कथा उपाय चैनल में स्वागत है। दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सावन के महीने में आपको भूल कर भी ये कार्य नहीं करने चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में ऑल को प्रेस करें मेरी इसी तरह की उपाय और कथा की वीडियो प्राप्त करने के लिए। सावन में शिव जी की पूजा के लिए भक्त हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन कई बार उन्हें ये नहीं पता होता कि सावन के महीने में कुछ चीज़ें निषेध होती हैं। ऐसे करने से शिव जी की कृपा मात्र नहीं बना जा सकता, वही कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जिन्हें करने से भोले भंडारी की पूजा का पूरा पुण्य लाभ मिलता है। पुराणों और धार्मिक ग्रंथों के सावन माह में किए और नहीं किए जाने वाले सभी कार्यों की जानकारी होनी चाहिए। अब हम आपको बताने वाले हैं कि आपको सावन के महीने में भूल कर भी, गलती से भी आपको ये काम नहीं करने चाहिए। सबसे पहला कार्य देखो, सावन मास में मांस, मदरा, प्याज, लहसुन, शराब इत्यादि चीज़ों को त्याग देना चाहिए। पूरे सावन के महीने में आपको इनसे हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। अगर आपके घर में प्याज लहसुन रखे होते हैं तो सावन का सोमवार आने से पहले आपको सभी हटा देना चाहिए। नंबर दो, सावन में पुरुष को दाढ़ी मूँछ और बाल, महिलाओं को बाल थ्रेडिंग नहीं करवाना चाहिए, नाखून आदि नहीं काटना चाहिए। सावन के महीने में ये वर्जित माना जाता है। नंबर तीन, सावन मास में कभी भी शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। सावन के महीने में तेल से बचना चाहिए, तेल नहीं लगाना चाहिए, शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए, इससे आपको बचना चाहिए। नंबर चार, आपको शिव जी की पूजा, जैसे आप शिव जी की पूजा पर हल्दी की केतकी का फूल और तुलसी अर्पित नहीं करना चाहिए। यानी कि आप शिव जी की पूजा करने जाते हैं तो आपको हल्दी केतकी का फूल और तुलसी अर्पित नहीं करना चाहिए। यानी कि हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए, केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए और तुलसी आपको नहीं चढ़ाना चाहिए। ये वर्जित माना जाता है, भोले भंडारी को ये नहीं चढ़ाया जाता है। नंबर छः, सावन के महीने में दिन के समय नहीं तो सोना चाहिए और बिस्तर का त्याग करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, बिस्तर का त्याग नहीं कर सकते हैं, तो आपको कम से कम दिन में नहीं सोना चाहिए। खासकर सोमवार के दिन आपको दिन में नहीं सोना चाहिए, ये भी अशुभ माना जाता है। सावन के महीने में इन बातों का आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। सावन के महीने में आपको देखो ये कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना जरूरी है। सावन के महीने में साफ़ सफाई का ध्यान रखें, अपने घर में भगवान शिव की पूजा करें, उन्हें प्रसन्न करें, लेकिन साफ़ सफाई के साथ आपको करना चाहिए। क्योंकि जितना पूजा हम शिव जी की करते हैं और अगर उन चीज़ों का हम ध्यान नहीं देते हैं तो वो हमें उल्टा पड़ जाता है, यानी कि उसका फल हमें नहीं मिल पाता है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखें ताकि आपकी हर मनोकामना पूरी हो। हम भी यही कामना करते हैं। जय भोलेनाथ।